हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम के लिए जनरल साइंस, इंग्लिश और जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, जिनमें से हर बार क्वेश्चंस जो है वो आपके नाविक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और हाँ, साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आज के सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पिछले 2 साल में जो आपके नाविक एग्ज़ाम हुए हैं उनको ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम जनरल साइंस के पोर्शन में से, क्योंकि नाविक के सेक्शन 1 में जो है साइंस 10 मार्क्स की पूछी जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। और दोस्तों, साइंस में जो है आपके अगर देखेंगे सिलेबस में तो वहाँ पर आपको जो है 15 से 20 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका मेजरली पोर्शन कवर होता है पेपर में वो आपके 8 से 10 टॉपिक में कवर हो जाता है। और इन टॉपिक्स को जो है आप लोगों को विशेष तौर पर तैयार करना है। देखिए, बाकी टॉपिक्स तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एग्जाम्पल भी देते हुए चलूँगा कि कौन कौन से टॉपिक से जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक को लेके। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है आपका मेजरमेंट यूनिट्स, यानी कि मापक यंत्र। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, इसके अलावा सोनार का इस्तेमाल जो है किस लिए होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहां से बनते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। ठीक है, यानी कि एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है। इसके अलावा आप लोगों से ये जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है कार्य में से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स में से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। तो यहाँ पर जो है आपको डायनेमो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आया था, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं वैसे। और इसके अलावा क्वेश्चन था कि आपके जो घरों में विद्युत परिपथ होता है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऊष्मा और तापमान। तो यहाँ पर जो है बेसिक न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें कि आपको या तो मतलब फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, या फिर जो है सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जो है कन्वर्ट करने बोलेगा वैल्यू को। इसके अलावा जो है यूनिट वगैरह यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गति के नियम। तो यहाँ से जो है दोनों चांसेस हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए या फिर जो है बेसिक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साउंड एंड वेव, यानी कि ध्वनि और तरंग। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को तरंग से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपके टेलीविज़न रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंगों को यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, एक्सरेज के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। उसके बाद आता है परमाणु संरचना। तो यहाँ से जो है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग जो है इसको एक दिन में कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको जो है आप लोग टोटल मिला करके भी देखें तो 8 से 10 दिन के अंदर जो है आसानी से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सौरमंडल, यानी कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो दोस्तों, यहाँ से जो है हर बार जो है हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, एक नए तारे का जन्म कहाँ पे होता है, इसके अलावा तारे का जो रंग होता है उसका सूचक जो है तापमान किस वजह से होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं। फिर ग्रहों में से अगर आप लोग देखेंगे तो शुक्र से जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस में, तो अगर आप लोग नाविक 01/2023 बैच वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें 6 वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है उसको भी चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। तो ये बात हो गई आपके दोस्तों जनरल साइंस को लेकर। अब हम बात करते हैं आपके इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश जो है वो आप लोगों को 15 मार्क्स की पूछी जाएगी और 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर जो है पैसेज पहले आपके नाविक एग्जाम में नहीं पूछा जाता था, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन जो आपका पिछला इंटेक हुआ था अभी 01/2022 बैच वाला, तो उसमें जो है आप लोगों को पैसेज देखने को मिला था और पैसेज में से जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों का इस बार भी पैसेज आता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप लोग जो है आसानी से 3-4 मार्क्स जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनमें से हर बार जो है फिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार जो है ये फिक्स है, पिछले 3 बार में देखा गया है कि यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन ही आते हैं और हर शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, फिर अगर आप लोग देखें एक्टिव पैसिव में, तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिव टू पैसिव या फिर जो है पैसिव टू एक्टिव में जो है कन्वर्ट करना होता है, और इसके भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों फिलर्स का सेक्शन आता है, तो फिलर्स में जो है आपको प्रीपोजिशंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1-2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रीपोजिशन के डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को जो है आप लोग विशेष तौर पर तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पॉटिंग द एरर की। तो देखिए स्पॉटिंग द एरर के जो है आप लोग कुछ मत कीजिए, 100 से 200 क्वेश्चंस की जो है आराम से प्रैक्टिस लगा लीजिए किसी भी बुक से, और अगर आप लोग जब एग्जाम को देखेंगे ना तो उसमें जो है आप लोगों को उसी टाइप के जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड जो है यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पर वोकेबलरी सेक्शन को लेके, तो ये जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है और इसको जो है ख़त्म करना थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसका भी आपको एक तरीका बताऊंगा। तो देखिए बात करते हैं सिनोनियम और एंटोनियम को लेके, तो 3 से 4 मार्क्स के जो है आपको सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में जो है आपको 2 से 3 मार्क्स के ही देखने को मिले। और उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो ये जो है वैसे आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोस्ट गार्ड जो है इसमें से 1 क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक आपका आता है ईडियम और फ्रेज का, तो इसमें से भी जो है देखा जाता है कि कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभार सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो आपके स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी होती है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सी है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों वोकेबलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है नीतू मैम की, उसको जो है आप लोग गो थ्रू कर लीजिए एग्जाम तक। जो है आप लोग उसमें से अगर वोकेबलरी पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो है आप लोग इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और अगर आप लोग इन टॉपिक्स को भी जो है उसमें से कवर करते हो तो आप लोग जो है डेफिनेटली जो है इंग्लिश में बहुत अच्छा करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जो है उस बुक को ज़रूर से पढ़िए। अगर आपके पास में वो बुक नहीं है तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम के ऊपर उसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग जो है इनका मतलब कि जो जेरोक्स होता है वो करवा सकते हैं या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास वो बुक नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है उसकी HD प्रिंट में जो है प्रोवाइड करवा दूंगा वो बुक। तो ये बात हो गई दोस्तों आपके इंग्लिश को लेके, और इंग्लिश में भी जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डेफिनेटली चेकआउट करेंगे, तो इसके लिए जो है आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जो है मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपके स्टैटिक GK और GS के पोर्शन को लेके, क्योंकि 5 मार्क्स की जो है GK आपको देखने को मिलती है और इसका सिलेबस जो है काफ़ी लंबा चौड़ा जो है कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे दिया है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो है हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम जो है विशेष तौर पर फोकस करेंगे, और ये जो है आप लोगों को एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार जो है इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट वॉर, यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए थे इतिहास में, उनको जो है आप लोगों को ज़रूर से देखना है। बाद में बात आती है महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि आप मान लीजिए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। फिर बात आती है आपके राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण आंदोलन थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो ये जो भी है ना इनको आप लोगों को डेफिनेटली चेकआउट करना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपके महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। अब ये महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं बोलने का मतलब क्या है, तो दोस्तों जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा खींची गई है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा खींची गई है, कब उसका निर्धारण हुआ था, तो ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट के टॉपिक में से जो है आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 90% शिफ्ट में जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स में से देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अवार्ड हैं, जैसे कि ग्रैमी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, इसके अलावा नोबेल पुरस्कार जो है कितने फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं।
फिर बात आती है आपके कला और संस्कृति की, जैसे कि मोहिनीअट्टम कहाँ से रिलेटेड है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी देते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके नदियाँ, पर्वत और दर्रे जो होते हैं, जैसे कि नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा पर्वत जैसे कि K2 जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कितने मीटर उसकी ऊंचाई है। नदियों में अगर पूछें तो आगरा कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपके आता है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, और जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको देखने को हर बार मिल जाते हैं, और ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। तो आप लोगों को जो है एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को विशेष तौर पर तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स थे इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को जो है आप लोगों को स्पेशली तैयार करना है, बाकी टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही हैं, लेकिन इनका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा या फिर इनको जो है रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको जो है विशेष तौर पर तैयार कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक रीजनिंग और मैथ वाले टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट जो होती है जो कि इंपॉर्टेंट भी होती है तो वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर जो है हमारे रेगुलर क्विज हो रहे हैं, तो आप लोग क्विज को ज़रूर से अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 1000 से 1200 कैंडिडेट जो है डेली क्विज अटेंड करते हैं, तो उनके बीच जो है आप लोग अपनी रैंक को चेक कर पाओगे, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। तो यहां पर जो है कम से कम दिन में 200 से 250 क्विज होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है काफी अच्छी हो पाएगी, आप लोगों का टाइम जो है काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।